ठीक है, टॉपिक आ गया आपका रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म। एवरी ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी टू कैरी आउट इट लाइफ प्रोसेसेस। डाइजेशन आप पढ़ चुके हैं, डाइजेशन मतलब खाने का पचना, है ना। अब वो जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको हम यूज करते हैं, वही डाइजेस्टेड फूड एनर्जी के साथ कंबाइन होता है तो और तभी हमारे सारे लाइफ प्रोसेस होते हैं। We need energy to walk, run, to do work. We require energy to write. सब काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है एंड we get this energy from the food we eat. और ये सारी एनर्जी आती है जो खाना हम खाते हैं। All living organisms need oxygen for the breakdown of digested food to obtain energy. तो जो digested food है उससे एनर्जी को obtain करने के लिए उस food को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होना होता है। तो रिस्पायरेशन जो है वो यही प्रोसेस है। क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेना, यूजिंग इट फॉर रिलीज ऑफ एनर्जी बाय ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड एलिमिनेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट। ऑक्सीजन को लेना, फूड के साथ उसको कंबाइन करके ऑक्सीजन एनर्जी को लेना और फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालना। अब रिस्पायरेशन में दो स्टेप्स होते हैं। एक है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन जिसको हम ब्रीथिंग भी कहते हैं, और ब्रीथिंग मतलब होता है सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना। हम जो लेते हैं अंदर, प्रोसेस वी टेक इन, सॉरी एयर विच वी टेक इन इज ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना इज ब्रीथिंग। इंटरनल रिस्पायरेशन को हम सेलुलर रिस्पायरेशन भी कहते हैं। इसमें जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन होती है। सेलुलर रिस्पायरेशन में एक्चुअली केमिकल प्रोसेस होता है, केमिकल रिएक्शन होता है और उससे फिर वो एनर्जी रिलीज होती है। तो ये डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल रिस्पायरेशन एंड इंटरनल रिस्पायरेशन या ब्रीथिंग एंड सेलुलर रिस्पायरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, the process of taking in air rich in oxygen and giving out rich in carbon dioxide by living organisms with the help of their respiratory organ is known as external respiration. oxygen ka andar lena aur carbon dioxide ka bahar nikalna is breathing. next is internal respiration, the process of breaking down of food in the cells with the release of energy is called internal respiration or cellular respiration. तो अब ये जो breakdown होता है food का, यानी glucose जो energy oxygen के साथ combine होता है और energy जिसमें release होती है, this is your cellular respiration. अब cellular respiration दो तरह की होती है। ये book basically describe कर रही है दो तरह की, लेकिन हर जगह discuss किया गया है तीन तरह का। जो दो तरह है उसमें एक aerobic respiration और एक anaerobic respiration. ओके, एरोबिक रेस्पायरेशन, जब भी साइंस में वर्ड आए एरोबिक, एरोबिक का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जहां भी साइंस में एनारोबिक मतलब आए तो उसका मतलब होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हम यहां पे तीन तरह के वो पढ़ेंगे रेस्पायरेशन, पहला एरोबिक, दूसरा एनारोबिक, तीसरा जब ऑक्सीजन है तो सही लेकिन सुफिशियंट क्वांटिटी में नहीं है, या आप कहो कि पहले तो मिल रही थी लेकिन बाद में उसमें कमी आ गई, लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ये तीन तरह के आपके हैं जो आपको पढ़ने हैं, टोटल पाथवेज हैं। तो पहला है आपका एरोबिक और एनारोबिक। रिस्पायरेशन यूजुअली टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसमें होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिस्पायरेशन, जबकि कुछ रिस्पायरेशन ऐसे होता है जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी होता है लेकिन ये रेयर है। तो अब ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है या नहीं है, ऑक्सीजन यूज हुआ या नहीं हुआ, इसमें हम रिस्पायरेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट इज एरोबिक रिस्पायरेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर टू रिलीज एनर्जी यूजिंग ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पायरेशन। यानी इसमें ऑक्सीजन है और इसमें एंड प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट एरोबिक रिस्पायरेशन,
और ज्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स है वो एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं, एरोब्स। एरोबिक रिस्पायरेशन इज मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ रिस्पायरेशन, सबसे अच्छी फॉर्म है। नेक्स्ट इज एनोरबिक। अब एनोरबिक में क्या होता है, एनोरबिक रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और ये यीस्ट और कुछ बैक्टीरिया में होता है। ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड और इसमें जो एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं वो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड है। एरोबिक में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर थे प्लस एनर्जी और इसमें अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी और इसमें ये जो एनर्जी निकलती है ना ये एरोबिक के मुकाबले बहुत कम होती है। ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद द रिलीज ऑफ एनर्जी विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पायरेशन। ओनली सिंपल ऑर्गेनिजम्स यीस्ट और कुछ बैक्टीरिया कैरी आउट एनोरबिक रेस्पायरेशन एंड सच ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज एनारोब्स। अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट इन एनोरबिक रेस्पायरेशन इज मच लेस देन एरोबिक रेस्पायरेशन। अब ये आपका आ गया टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस, ठीक है। एरोबिक रेस्पायरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, एंड प्रोडक्ट्स बता दिए और इसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। और एनोरबिक में आपका इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, पूरा फूड ब्रेकडाउन नहीं होता अच्छे से। तो ये पूरा टेबल आ गया। नेक्स्ट थर्ड फॉर्म है ना एनोरबिक रेस्पायरेशन इन मसल्स मींस ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन और ये हमारे मसल्स में होता है। जब हम दौड़ते हैं तो हमारी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। क्यों हो जाती है तेज? क्योंकि जब हम दौड़ रहे हैं तो हमारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए और ज्यादा एनर्जी चाहिए तो बॉडी को ज्यादा ब्लड का फ्लो चाहिए क्योंकि ब्लड में ही ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है। तो जितना ज्यादा ब्लड का फ्लो होगा जल्दी जल्दी बॉडी पार्ट्स तक उतनी ऑक्सीजन पहुंचेगी और बॉडी को उतनी एनर्जी मिलेगी। लेकिन जनरली मसल्स क्रैम्स हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती तो उसमें फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनने की बजाय लैक्टिक एसिड बनता है और वो लैक्टिक एसिड मसल्स क्रैम्स का कॉज है, उसी की वजह से होता है। और जब हो जाता है तो हमेशा कहते हैं कि पाँव को या पूरी बॉडी को गर्म पानी में करो, गर्म पानी का ट्रीटमेंट लेते हैं हॉट वाटर का, कि गर्म पानी से ना हो या रख दो। तो वो क्या होता है, गर्म पानी से ब्लड का फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में बढ़ जाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन पहुंचेगी और उसे ऑक्सीजन मिलेगी तो जल्दी से एनर्जी रिलीज होगी, एरोबिक रिस्पायरेशन होगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। अवर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रिस्पायर एनोरेबिकली बट ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यानी पहले तो ऑक्सीजन मिल रही है, थोड़े टाइम के लिए ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई, थोड़े टाइम के लिए, ड्यू टू ड्यूरिंग अ हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मैनी आवर्स एंड हैवी वेट लिफ्टिंग, डिमांड फॉर एनर्जी इज हाई बट द स्लो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी इज लिमिटेड। एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है और लेकिन सप्लाई जो है एनर्जी की वो कम हो जाती है। इन अनदर वर्ड, ड्यूरिंग अ हैवी एक्सरसाइज डिमांड ऑफ एनर्जी इज मोर बट द सप्लाई ऑफ एनर्जी इज लेस। टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी एनोरबिक रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन अवर सेल्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब एनर्जी तो बॉडी को चाहिए ही चाहिए, अब फिर वो एनर्जी कहां से आएगी? तो जो मसल्स है, जो बॉडी है, वो एनोरबिकली रिस्पायरेशन स्टार्ट कर देती है और इसमें जो फूड का ग्लूकोज ब्रेक होता है वो लैक्टिक एसिड में होता है एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी इसमें रिलीज होती है। आफ्टर हैवी एक्सरसाइज साइकिलिंग वी समटाइम्स गेट मसल्स क्रैम्स। द मसल्स क्रैम्स अक्कर वेन मसल सेल रिस्पायर एनोरबिकली। क्यों? क्योंकि इस पार्शियल ब्रेकडाउन में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है एंड द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड जब मसल्स में इकट्ठा होता जाता है उसी की वजह से मसल्स क्रैम्स होते हैं। वी गेट रिलीफ फ्रॉम मसल्स क्रैम्स आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ और अ मसाज। हॉट वाटर बाथ या मसाज के बाद मसल्स क्रैम्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। हॉट वाटर बाथ और मसल और मसाज इंक्रीजेस द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन दीज मसल्स। तो सर्कुलेशन ब्लड का बढ़ जाता है, एज अ रिजल्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन
टू द मसल सेल्स इंक्रीजेस, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है, और सप्लाई बढ़ जाएगी जब ऑक्सीजन से तो कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है लैक्टिक एसिड का, यानी वही लैक्टिक एसिड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और आपको राहत महसूस होती है।